गुड इवनिंग दोस्तों, टुडे इन द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंतर्गत मैं आपको पोस्ट हार्वेस्ट डिटेरियोरेशन के बारे में बता रहा हूँ। पोस्ट हार्वेस्ट डिटेरियोरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कटाई उपरांत फलों एवं सब्जियों में आने वाली खराबी के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से फलों एवं सब्जियों में खराबी आती हैं। दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स स्टडीजिंग BSc जे सेवन सेम एंड अदर स्टूडेंट ऑल्सो, सो प्लीज सी इट। वाट इज पोस्ट हार्वेस्ट डिटेरियोरेशन? पोस्ट हार्वेस्ट डिटेरियोरेशन रेफर्स टू द सेट्स ऑफ अनडिजायरेबल बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल फिजिकल चेंजेस दैट शॉर्टेंस द सेल्फ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ द कमोडिटीज एंड मेक इट अनडिजायरेबल फॉर द कंजम्पशन। पोस्ट हार्वेस्ट कटाई उपरांत ऐसी खराबियाँ जो कि जैसे जैविक जो जैव से संबंधित हैं, जैसे आप समझ लीजिए जो बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह ऐसे के कारण आ जाते हैं, उन्हें हम बायोकेमिकल चेंजेस कहते हैं। एंड फिजियोलॉजिकल भौतिक परिवर्तन जो होते हैं तथा फिजिकल चेंजेस फिजियोलॉजिकल देह संबंधी जो उनके शरीर में श्रिंकिंग वगैरह आ जाती है, दैट इज फिजियोलॉजिकल डिटेरियोरेशन एंड फिजिकल भौतिक परिवर्तन जो कि स्वरूप उनका चेंज हो जाता है, दीज आर द डिटेरियोरेशन विच टेक्स प्लेस इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर हार्वेस्टिंग। सो काजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिटेरियोरेशन, कौन कौन से कारण जो कि फलों में खराबी के लिए उत्तरदायी हैं। एज यू नो हार्टिकल्चर क्राफ्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टक टाइपली हैविंग हाई मॉइस्चर कंटेंट टेंडर टेक्सचर एंड हाई प्रेसिबिलिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो उद्यानी फसलें हैं, जो फल एवं सब्जियां हैं, इनमें बहुत ही अधिक नमी होती है तथा इनका जो टेक्सचर है वो गठन जो है वाला मुलायम होता है तथा हाई प्रेसिबिलिटी जल्दी ख़राब होने वाली वस्तु होती है। इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली हाई वैल्यू न्यूट्रिशस प्रोडक्ट कैन डिटीरियोरेट एंड रॉट इन ए नंबर ऑफ डेज और इवन आवर्स। अगर इनको आप प्रॉपर वे में हैंडल नहीं करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग तो ये कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाती है तथा दिनों के दो बाद छोड़िए कुछ घंटों में भी ख़राब हो जाती हैं। द काजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज कैन बी डिवाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज। जो कारण है इन्हें हम कई श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मेटाबोलिक परिवर्तनशील। ऑल हार्टिकल्चरल क्राफ्ट आर लाइव ऑर्गेन्स, जितनी भी हार्टिकल्चरल उद्यानी फसलें हैं वो लाइव ऑर्गेन्स समझी जाती हैं, इन्हें जीवित हम मानते हैं, लिविंग। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिजर्वेस एंड एजिंग ऑफ दीज ऑर्गेन्स। जब हम इनको हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो श्वसन आदि की क्रिया है इसमें चालू रहती है, तो जो इसका रियर फूड रहता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन, वो धीरे धीरे उसमें सेंसिटिविटी आने लगती है, धीरे धीरे कमी आने लगती है रिजर्व फूड में और इनमें एजिंग शुरू हो जाती है, खराबी शुरू हो जाती है। तो ये मेटाबॉलिक परिवर्तन। मैकेनिकल यांत्रिक खराबियाँ, ओविंग टू देयर टेंडर टेक्सचर एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर वेरी ससकेबल टू मैकेनिकल इंजरी। यांत्रिक खराबी इसमें बहुत जल्दी आ जाती हैं। पुअर हैंडलिंग, अगर आप ठीक से इन्हें हैंडल नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं अनसुटेबल कंटेनर और उचित डिब्बों वगैरह कंटेनर में पैक नहीं करते हैं, इम्प्रॉपर पैकिंग अच्छे से पैक नहीं करते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन कैन ईजिली काज ब्रूसिंग। अगर इनका यातायात संबंधी जो है अगर अच्छे से व्यवस्था नहीं करते तो इसमें आघात पहुंचता है, कट जाती है, टूट जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है, इम्पैक्ट राउंडिंग तथा इसमें घाव भी हो सकते हैं, अदर फार्म साबी तथा अन्य खराबियाँ भी आ जाती हैं। तो दिस इज द मैकेनिकल इंजरी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट माने होता है विकास, एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है डेवलपमेंट। आप लोग जानते हैं जीज इंक्रूज स्प्राउटिंग रूटिंग सीड जनरेशन विच लीड टू डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये मोस्टली पोटैटो तथा ओनियन एक्सेट्रा में दिखने को मिलता है। अगर आप उनको ओनियन और पोटैटो वगैरह जब आप रख देते हैं, अगर उनको अच्छे तरह से रहे स्पोर्ट करते तो आप लोग देखते हैं उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है, उसमें क्या होता है कि अकुए निकल आते हैं, तो ये उनके रिजर्व फूड को समाप्त करता है और इस प्रकार से उनकी क्वालिटी जो है वो डिप्रेस हो जाती है। इस तरह से सीड जर्मिनेशन, अगर आप
प्रॉपर सूखे जगह में नहीं रखते, नमी की जगह में रख देते हैं, बीज जम जाता है, उनका भी स्टोर फ्रूट ब्रेक हो जाता है, तो इस कारण से खराबियाँ आ जाती है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक डिजीजेज, जैसे पीड़ा देने वाले रोग, कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लग जाते हैं तो हमारा जो फूड की क्वालिटी है अपना हार्वेस्टिंग वो डिटेरियोरेट हो जाती है, उनमें खराबी आ जाती है। जैसे हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ फंजाई, फंजाई के आक्रमण से या बैक्टीरिया के आक्रमण से, इंसेक्ट तथा कीड़ों एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अन्य जीवों के द्वारा आक्रमण करने से बहुत अधिक लॉस होता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म अटैक इज ऑल्सो सपोर्टेड ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरल डिफेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राकृतिक रूप से कोई सुरक्षात्मक ढांचा फलों के अंदर मौजूद नहीं होता है एक्सेप्ट इन द हार्ड सीड कोट, अगर जैसे बेल है आपका जिनमें हार्ड सीड कोट होता है उनमें तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन होता है, लेकिन जैसे एप्पल है जो क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रूट आर टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू आर नॉट थ्रिंग बिहेवियर, क्लाइमेटिक एंड नाइट्रोमेट्रिक, जो क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं वो तो जल्दी ख़राब होते हैं क्योंकि उनमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहते हैं क्योंकि नॉन क्लाइमेटिक को आप अनराइप स्टेज में पौधे से हार्वेस्ट करते हैं, जबकि जो क्लाइमेटिक फ्रूट है जैसे मैंगो है गुआवा है ये सब क्या है जल्दी ख़राब होते हैं, तो इस प्रकार से इनकी देखभाल ज़्यादा करने की आवश्यकता है। पोस्ट हार्वेस्ट डिकेट कंट्रोल इज बिकमिंग ए मोर डिफिकल्ट टास्क, हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ फंजाई बैक्टीरिया इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म अटैक इज ऑल्सो सपोर्टेड ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरल डिफेंस, जैसे मैंने आपको बताया प्राकृतिक कोई इसमें सपोर्ट नहीं होता, सुरक्षा नहीं होती, एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर प्रेजेंस इन द प्रोड्यूस, और इसके अतिरिक्त जो मॉइस्चर होती है ज़्यादा नमी होती है, तो आप लोग जानते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नमी में ज़्यादा आक्रमण करते हैं तो ये भी एक सपोर्ट होता है एक तरीके से उनके डेवलपमेंट होने के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट डिके कंट्रोल इज बिंग ए मोर डिफिकल्ट टास्क, जो पोस्ट हार्वेस्ट डिके है फलों में हार्वेस्टिंग के बाद जो खराबी है बहुत अधिक जो है कठिनाईपूर्ण कार्य होता जा रहा है, बिकॉज द नंबर ऑफ पेस्टिसाइड अवेलेबल इज फॉलिंग रैपिडली, जो पेस्टिसाइड हैं जो कीड़े कंट्रोल वाली दवाइयाँ उनका धीरे धीरे नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। कम्यूनल कंसर्न फॉर फूड सेफ्टी, जैसे जैसे फूड सेफ्टी हम करते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ पेस्टिसाइड की संख्या कम होती जा रही है। सो एंड नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल डिटेरिएशन, जो भाव दैहिक संबंधित है आकाश ड्यू टू द मिनरल डिफिशियंसी, बहुत से जैसे पोटा आप लोग जानते हैं कैल्शियम की डिफिशियंसी से का बहुत अधिक रोल होता है उसमें, क्या कहते हैं एपिल में आप लोग जानते हैं, इसीलिए से आयरन की डिफिशियंसी होती है, और इस प्रकार से बहुत चीज़ें हैं जिसके बोरान की डिफिशियंसी से आप निक्रोसिस हो जाती है आंवले वगैरह में, तो इस प्रकार से इसका भी बहुत है कैल्शियम में एक्वाडियो में डायनेक हो जाता है आप लोग जानते हैं, तो ये सब कारण से बहुत से फिजियोलॉजिकल दैहिक कमी आ जाती है। सो लो आर हाई टेम्परेचर, कैल्शियम की मिनरल डिफिशेंसी और लो आर हाई टेम्परेचर, अगर तापक्रम एक ऑप्टिमम से कम या ज़्यादा है तब भी उसमें बहुत ही खराबी आ जाती है, और अनडिजायरेबल एटमोसफियर, यदि वातावरण अनुकूल नहीं तब भी उसमें बहुत सी खराब आती है, सच एज हाई ह्यूमिडिटी, अगर नमी ज़्यादा है आप लोग जानते हैं जब नमी ज़्यादा होती है वायुमंडल में तो कीड़े ज़्यादा प्रभावित करते हैं फलों को। फिजियोलॉजिकल डिटेरियोरेशन कैन बी ऑल्सो अगर्स स्पॉन्टेनियसली बाई एंजाइमेटिक एक्शन लीडिंग टू ओवर राइपनेस एंड सेनेसेंस, ए सिंपल एजिंग फिनोमिना, अगर आप ज़्यादा मैच्योर राइपनिंग हो जाती है या इमैच्योर आप हार्वेस्ट करते तब भी उसमें एजिंग जल्दी हो जाती है, खराबी जल्दी आने लगती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मार्केट डिमांड, जैसे कि आप लोग जानते हैं जब व्हेनेवर देयर इज मोर कमोडिटी इन द मार्केट देन द रिक्वायरमेंट्स, अगर आवश्यकता से ज़्यादा सब्जी या फल बाज़ार में पहुँच जाता है निश्चित रूप से उसका जो उचित मूल्य है वो प्रोड्यूसर को नहीं मिल पाता और उसकी ज़्यादातर जो आय है वो बेकार चली जाती, तो आपको एक्सटेंड करना है हार्वेस्टिंग पीरियड बाई सिंचाई करके, अगर आपको हार्वेस्टिंग पीरियड डिसाइड करना है तो आप पानी लगा सकते हैं फलों के अंतर्गत, तो इस प्रकार से हार्वेस्टिंग पीरियड शुड बी इंक्रीज, आपको थोड़ा लेट या पहले हार्वेस्ट करना पड़ेगा तो आपको अच्छा मोल प्राप्त होगा। नेक्स्ट
और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का भी विकल्प रखना चाहिए। प्राइमरी मार्केट वो होती है जो थोड़ा नज़दीक होती है अपने फार्म से, सेकेंडरी मार्केट वो होती है जो दूर होती है। और प्राइमरी मार्केट में अगर आप जाते हैं लेकर के कोई प्रोड्यूस या वहाँ पे आपका ग्लट है तो आपको तुरंत सेकेंडरी मार्केट में पहुँच जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप मार्केट चेंज करके प्रोड्यूस का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये है लैक ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड न होने से भी काफ़ी नुकसान हो जाता है प्रोड्यूसर का। नेक्स्ट है कंजम्पशन। कंजम्पशन में आप जानते हैं उपभोग करने का तरीका। अगर किसी के पास संसाधन भी है तो हाउ शुड लिव, उसे ये नहीं मालूम कि कैसे रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप फलों सब्जियां फ्रेश स्टेज में कंज्यूम करते हैं या उनका कंज्यूम करने का तरीका है, निश्चित रूप से आप अच्छा न्यूट्रिएंट्स उनसे प्राप्त करेंगे। और अगर यूज करने का तरीका नहीं गलत सही नहीं है तो आप निश्चित रूप से चीज़ होते भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे कि कुछ प्रिंसिपल हैं कुकिंग के, जैसे आप कोई फल लाते हैं तो उसको कैसे ढंग से आप रखें कि उसके न्यूट्रिएंट ज़्यादातर उसमें विद्यमान रहें और उनका हास जल्दी ना हो। इस पर अगर सब्जियां हैं कुक करते समय, जैसे हमें आपको पानी कम ऐड करना चाहिए, धीमी आँच में बनाना चाहिए सब्जियों को, या उनको पीलिंग जो है उनके छिलके बहुत ही पतले छीलने चाहिए, हो सके तो आप जेब कहते हैं उनको वैसे ही बना लीजिए, छीलिए नहीं। क्योंकि ज़्यादातर सब्जियों में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल जो सरफेस होती है वहीं पे वहाँ रहते हैं, ठीक है। उसके तो ज़्यादा उनको पील नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गहरा छीलना चाहिए। या आप समझ लीजिए कि सब्जी बनाने के तुरंत बाद अगर आप उनको यूज करते हैं, निश्चित रूप से यू गेट मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट वेजिटेबल। इसके अलावा धीमी आँच में बनाना चाहिए, ये सब प्रिंसिपल हैं तो इनका फॉलो करना चाहिए। अगर आपको अच्छा पोषक प्राप्त करना है सब्जियों से या फलों से, फल ताज़े फ्रेश लेना चाहिए, ये सब कंजम्पशन के रूल हैं। और अगर इनको आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप सब्जी तो खाते हैं पेट भर जाता है लेकिन आपको जो पोषण है वो उससे उतना प्राप्त नहीं होगा। तो यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल ऑल्सो इन यू आर कंज्यूमिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड माई लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।